श्री राधे, तो कैसे हो आप सब। दिवाली की सफाई हमारी हो चुकी है और ये व्लॉग हमारा 3 दिन का कंपाइलेशन व्लॉग है, क्योंकि एक दिन में तो दिवाली की सफाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है और अब घर थोड़ा सा हमारा दिवाली रेडी लग रहा है, लेकिन अभी भी डेकोर वाला काम रहता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सरसों का साग। इसे बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक दिन पहले मैंने इसे काट के रख लिया था और फिर रात को कुकर में डाल के 5-7 सीटी लगवा ली थी। और अब मॉर्निंग में सबसे पहले मैं इसे घोट रही हूँ। जितना ज़्यादा हम से मैश करते हैं ना, ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और फिर यहाँ सरसों के साग को तड़का मेरे हस्बैंड ने दे दिया था, क्योंकि मैं सफाई करने में और बच्चों के साथ बिजी थी। और फिर मैंने बनाई चावल के आटे की रोटी, जो मुझे बनाना थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल रोटी की तरह नहीं बनता, जल्दी से चिपकता भी नहीं है। थोड़ी मोटी मोटी रोटी बनती है इसकी, और मुझे ये घी में बनी हुई अच्छी लगती हैं और मेरे हस्बैंड इसे सूखी ही खाते हैं। और सबसे पहले हम ठाकुर जी का भोग बनाएंगे और फिर सब खाएंगे, और उसके बाद हमारा सफाई अभियान शुरू हो जाएगा। और साथ में ही हमने यहाँ पे ना राजमा बॉईल होने के लिए रख दिए, ताकि हमारा लंच भी साथ में ही रेडी हो जाए। और उसके बाद हम आराम से सफाई करते रहेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी खाने की। और सबसे पहले हमने ड्राइंग रूम से ही शुरुआत की थी। मैंने पहले सारे डेकोर आइटम्स थे, जितना भी फर्नीचर था, टेबल, सोफ़ा, सब कुछ बाहर निकाल दिया रूम से, और रूम को बिल्कुल खाली कर लिया था। क्योंकि डीप क्लीनिंग ना तभी अच्छे से होती है जब आप पूरा फर्नीचर बाहर निकाल के अच्छे से सफाई करते हो। तो क्योंकि एक यही रूम है हमारे घर में जिसको हम बिल्कुल खाली कर सकते हैं, बाकी तो जो रूम्स हैं वहाँ पर बेड फिक्स्ड रहते हैं, उनको हम खाली कर नहीं सकते। सारा खाली करने के बाद रूम ना मैंने यहाँ पे वॉल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जो ये भैया थे ना, ये हमने डेली वेजेस पे 2-3 दिन इनको रखा था। इन्होंने 2-3 दिन में मेरी बहुत हेल्प कराई है दिवाली की क्लीनिंग में, क्योंकि ये बहुत हैवी लोड लग रहा था मुझे, तो मेरे से अकेले से हो नहीं पाता और बच्चे भी साथ में परेशान करते हैं, इसीलिए भैया ने बहुत हेल्प की। आउटडोर की इन्होंने बहुत अच्छी सी क्लीनिंग की थी, विंडोज़ बहुत अच्छे से, ग्लासेस, फैंस, फिर ये जो विंडोज़ की मैश थी। और उसके बाद जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो इतना ज़्यादा कचरा निकल रहा था, ऐसे लग रहा था हमने कभी झाड़ू नहीं लगाया। और उसके बाद फिर जो लॉबी में हमने सोफ़ाज बाहर निकाले थे, तो मैंने उसके कुशन कवर्स चेंज कर लिए थे, वो भी वॉश करने वाले थे। और उसके बाद फिर मैंने सोफ़ाज को ना गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के ना तो अच्छे से उनको क्लीन कर लिया था। और उसके बाद हमने सारा सामान वापस से सेट कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे क्रॉकरी यूनिट पे। मैंने भैया को सारा खाली कर दिया था, तो वो क्लीन करते जा रहे थे और मैं वापस से सारा सामान साफ करके सेट करती जा रही थी। और उसके बाद जो ये बुक्स पड़ी थी यहाँ पे ना, इन सभी को उठा के मैं अंदर ड्रॉज में डाल रही थी। और ये सारा भी हमारा सेट होने के बाद फिर मैंने क्लीन किए थे, जो मेन मेश डोर था उसको क्लीन किया, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी डस्ट हो गई थी और वो कपड़े से साफ नहीं हो रहा था, इसलिए उसको मैंने पाइप लगा के पानी से अच्छे से वॉश कर दिया। और भजन सुनते सुनते मस्त होके अपने काम में लगे हुए थे। और जो सारी स्टेशनरी है ना, वो मैं अलग अलग बॉक्सेस में डाल के यहाँ इधर ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि नीचे बच्चे बहुत ज़्यादा पंगे करते हैं, इसीलिए उनकी पहुँच से ना थोड़ा दूर ही रखनी पड़ती है। जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल समझते होंगे कि मैंने इतना ऊपर यहाँ पर अलग बॉक्सेस में डाल के इनको क्यों रखा हुआ है।
हम मॉर्निंग में लगे थे क्लीनिंग करने और अभी लगभग शाम होने आई है, 4 बज गए हैं और हम ना थक चुके हैं अब तो। पहले तो चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। और अभी तक ना सिर्फ हमारा डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया क्लीन हो पाया, क्रॉकरी यूनिट भी मैंने थोड़ी सी कर दी है, आधी रह गई है। और अगर भैया नहीं होते तो मेरे से तो आधा भी नहीं होना था जितना काम हुआ ना। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है, 2 मिनट बाद रोने लग जा रहे हैं, 2 मिनट बाद इनको भूख लग रही है, फिर कुछ खाना है, फिर कुछ इनको पीना है। और अभी जाके हम थोड़ा सा कर पाए हैं, अभी भी मेरे को डाइनिंग टेबल और ये डाइनिंग चेयर्स अच्छे से साफ करनी है। और फिर थोड़ा थोड़ा साथ में मैं डीक्लटरिंग भी करती जा रही हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा ही डीक्लटरिंग कर दी है मैंने। और अब देखते हैं जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी अब कल ही होगा। और यहाँ ना चाय पीते पीते मैं ये नोट डाउन कर रही थी कि मुझे और क्या काम करवाना है, जैसे कि मुझे मार्केट से वॉल पुट्टी मंगवानी थी तो वो माइंड से स्किप हो जाता है कई बार, तो मैं साथ साथ नोट डाउन कर लेती हूँ जो जो याद आता है। साथ में 1-2 इलेक्ट्रिशियन के काम थे, एक फ़ैन चेक करवाना था और साथ में मेरा लैम्प एक ख़राब हो गया था उसे ठीक करवाना था, तो वो भी नोट डाउन कर रही थी ताकि दिवाली से पहले पहले ये सब काम ख़त्म हो पाए। और यहाँ पे ना कर्टन्स वॉश करने के लिए एक टिप है कि जब भी हम कर्टन्स वॉश करते हैं तो उनकी ना जो रिंग्स हैं वो टूट जाती हैं वॉशिंग मशीन में, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे ना जैसे मैंने टाई किया है ऐसे किसी भी उनकी रिंग्स को एक साथ इकट्ठा करके किसी कपड़े से या किसी भी स्ट्रिंग से उसको टाई कर दो ताकि वो ज़्यादा मूव ना हो पाए वॉशिंग मशीन में। वॉश हो जाते हैं अच्छे से लेकिन रिंग्स वैसी की वैसी रहती हैं, टूटती नहीं हैं। और यहाँ मैं जो क्रॉकरी का काम रह गया था उसे पूरा कर रही हूँ। पहले ना क्रॉकरी यूनिट को खाली किया और फिर अंदर से क्लीन किया अच्छे से, बहुत सारी क्रॉकरी हो गई है, बाकी सारी स्टोर में रख दूँगी। बस यहाँ पर वही रखूँगी जो हम फेस्टिवल पे यूज़ करते हैं, जो हमने कभी यूज़ ही नहीं की और ना ही आगे करेंगे, उनको सारी को यहाँ से उठा दूँगी, यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है उनको। और अभी दिवाली पे और कप्स और ग्लासेस आएंगे, उनके लिए भी स्पेस बनानी है, इसलिए थोड़ा सा इसको खाली करना पड़ेगा। अभी ना मैं बच्चों के कपड़े सेट कर रही थी, इनकी अलमीरा सेट कर रही थी, ऑलमोस्ट सारे हो ही गए हैं। और जो इनको भी छोटे हो गए ना कपड़े, वो मैं निकाल दूंगी क्योंकि वो डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर अगर कुछ अच्छे होंगे तो वो डोनेट कर देंगे, अंदर रखने से कोई बेनिफिट ही नहीं है उनको। और जो समर्स वाले हैं वो भी मैंने निकाल दिए, उनको हम ना वो करके पैक करके पीछे स्टोर रूम में अलग से रख देंगे। अलमीरा भर जाती है, विंटर्स के कपड़े इतने सारे होते हैं, और है बहुत सारे हैं लेकिन रियांश के हैं क्योंकि राधविक ना लास्ट विंटर में बहुत छोटा सा था तो उसके इतने कपड़े हैं नहीं है, उसके तो 2-4 लोअर हैं बस, उसके लिए नए लाने पड़ेंगे। और उसके बाद ना मुझे अपने कपड़े भी समेटने हैं, हमें अपनी अलमीरा तो मैंने ऑलमोस्ट वैसे सेट करके रखी है लेकिन उनको भी थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है। और जो समर्स वाले कपड़े हैं वो निकाल के विंटर्स वाले रखने हैं, विंटर्स वाले पीछे बेड में पड़े हैं वो निकालने पड़ेंगे। और जो मेरे करवा चौथ वाले सूट हैं वो ना हमारे दीपावली से पहले पहले उनको वॉश करना रहता है, तो वो मैंने वॉश नहीं किए थे, ऐसे रख दिए थे, अभी उनको भी वॉश करूँगी, वो हैंड वॉश होंगे ना इसीलिए रख दिया था, वॉशिंग मशीन में वो जाएंगे नहीं, थोड़े हैवी से हैं। और उसके बाद ठाकुर जी की अलमीरा भी है, उसको भी मेरे को साफ करना है, अभी उनके कपड़े भी सेट करने वाले हैं। और ये जो क्लीनिंग है ना दीपावली की, ये बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं ऐसे लग रहा है कि काम बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। और अभी देखते हैं कितने दिन लगते हैं, मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन लग ही जाएंगे इसी क्लीनिंग में हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही होता है, ये डीक्लटरिंग करना ना कपड़ों की ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद किचन भी पड़ा है और अभी आउटडोर भी करना है, अभी ये वाला काम करने के बाद आउटडोर की क्लीनिंग करेंगे।
और जो ये छोटे छोटे डेकोर आइटम्स होते हैं, ये कपड़े से ना अच्छे से क्लीन ही नहीं हो पाते, इनके अंदर अंदर बड़ा छोटा छोटा कार्विंग सी होती है, तो वहाँ पे डस्ट फंस जाती है। तो मैं इनको क्या करती हूँ कि मैं इनको अच्छे से वॉशिंग कर लेती हूँ और फिर अच्छे से इनको सुखा लेती हूँ। और ऐसे ही सेम करती हूँ आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ, उनको भी मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत सारे हैं मेरे पास, तो एक एक लीव को क्लीन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं उनको वॉश करती हूँ, सुखा लेती हूँ, उनको भी कोई नुकसान नहीं होता और क्लीनिंग भी इजी हो जाती है। और अब यहाँ पे ना हमारे बेडरूम्स डीप क्लीन हो चुके हैं, और अब हम करेंगे आउटडोर क्लीनिंग, जिसमें सबसे पहले शू रैक ही साफ करेंगे। और इस शू रैक में ना हमारे दो पोर्शन है, एक मेरा है और एक मेरे हस्बैंड का। तो रैक को खाली कर लिया था मैंने अच्छे से, फिर अच्छे से साफ कर लिया, और उसके बाद शूज को भी क्लीन करके रख लिया। और शू रैक ना हमारे ये बाहर है, तो आधे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड इसमें अपने ट्रैक्टर्स का ही सामान भर देते हैं। और फिर मैंने शूज़ को अच्छे से क्लीन करके और जो उसमें से पुराने थे उनको निकाल दिया बाहर, और जो अभी पहनने हैं सिर्फ वही रख रही हूँ। और पीछे ये राधू खेल रहा है, तो इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी बीच में। और उसके बाद ना मैंने सारे पॉट्स को सेंटर में निकाल लिया था, क्योंकि एक तो साइड्स क्लीन करनी थी और सारे प्लांट्स की लोकेशन भी मेरे को चेंज करनी है, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, तो कुछ प्लांट्स हैं वो शेडी एरिया में रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर जो क्लाइमेट होता है उसका हर प्लांट पे अलग असर पड़ता है। तो विंटर्स वाले तो ओपन में चल पड़ेंगे, लेकिन जो समर्स वाले हैं या पेरिनियल प्लांट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर इनकी अच्छे से मैं यहाँ पे गुड़ाई भी कर लूँगी, और दिवाली है तो दिवाली के बहाने सब अच्छे से साफ़ हो रहा है, मेरे प्लांट्स भी बेचारे खुश हो गए हैं। और ये ना आधे पॉट्स हैं, आधे मेरे दूसरी साइड हैं, और अभी तक मैंने विंटर्स वाले प्लांट्स भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में ना बहुत सारी स्नेल्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स को खा ही जा रही हैं, बहुत आतंक मचाया उन्होंने। अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो जिससे स्नेल्स को हार्म ना हो, बस वो गार्डन से भाग जाए, तो प्लीज़ मेरे से शेयर करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि माली भैया ने मुझे वैसे बहुत सारे सॉल्यूशन बताए थे, लेकिन सब में स्नेल्स मर जा रही थी। मुझे उनको मारना नहीं है, बस वो मेरे गार्डन से भाग जाएं। लास्ट टाइम भी मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया था, मेरे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को खा गई थी, और अब इस बार देखते हैं क्या बनता है। और फिर मैंने ना सारे प्लांट्स को रिलोकेट कर लिया था, और उसके बाद इतना सारा कचरा निकला था प्लांट्स में से, और एक टाइल क्लीनर है मेरे पास बहुत अच्छा सा, उससे हमने सारा अपना फ्लोर अच्छे से चमका लिया था। और अब बचा हमारा गार्डन, तो गार्डन को माली भैया आएंगे आज, वो अच्छे से क्लीन कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी फ्रंट वाली वॉल है ना, वो बहुत ख़राब सी हो रही थी, उसका पेंट और बुट्टी निकल रही थी, तो उसको हमने सोचा कि खुद से ही थोड़ा सा रिपेयर कर लेते हैं। उसको हम रिपेयर करने लगे, और जब उसको रिपेयर कर रहे थे वो ज़्यादा निकल ही जा रहा था, तो पहले मैंने सारा जितना निकल रही थी वो बुट्टी उसको निकाल के फिर उसको अच्छे से अप्लाई किया। और इसमें सिर्फ मैंने वॉल पुट्टी का थिक सा पेस्ट बना के जैसे वैसे मुझे आता था वैसा सा लगा दिया, बस जैसे पहले लग रही थी उससे तो बेटर ही अब लग रही है। और बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।